गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, सो वी आर डूइंग मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कर लिया है लास्ट सेशन में, और आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 रीड आउट करते हैं। ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैंस, जो कि राइट सर्कुलर है, मतलब सिलेंडर है और वो भी राइट सर्कुलर है। राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब जो सिलेंडर हमने आज तक पढ़ा है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर ही होता है, लाइक दिस। इसको कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो सर्कल्स हैं, ऊपर और नीचे के सर्कल्स हैं, वो उसका जो रेडियस है हाइट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट एंगल बनाता है, इसलिए इसको कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, है ना। ठीक है। ऑफ गिवन वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम गिवन है कितना, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम फिक्स हो गया 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन व्हिच हैज द मैक्सिमम मिनिमम सरफेस एरिया। तो आपको ऐसा डायमेंशन बताना है कैन का या सिलेंडर का जिसका सरफेस एरिया मिनिमम हो, जिसका क्या हो, सरफेस एरिया। अब देखो बच्चों, ये रियल लाइफ सिचुएशन में भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। जब आप रियल वर्ल्ड में कदम रखोगे, सपोज करो आप एक कैन बनाते हो, सपोज करो एक कोल्ड ड्रिंक का कैन बनाते हो आप, है ना। मान लो आप फैक्ट्री ओनर हो, आप कोल्ड ड्रिंक का कैन बनाना है। अब आपको उसमें 100 क्यूबिक सेंटीमीटर कोल्ड ड्रिंक डालनी है, तो वॉल्यूम तो फिक्स हो गया आपका। आपकी बोर्ड मीटिंग बैठी, आपने कहा भाई कितना क्वांटिटी देनी है साहब, 100 सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक हमको देनी है, बट हमको उसको इस तरीके से डिजाइन करना है कैन को ताकि वो पकड़ने में आसानी रहे। तो पकड़ने में आसानी रहे, दैट मीन्स उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो। उसका सरफेस एरिया क्या हो, मिनिमम। वॉल्यूम उतना ही हो, कोल्ड ड्रिंक उतनी चाहिए, लेकिन सरफेस एरिया क्या हो, मिनिमम हो। तो ये रियल लाइफ सिचुएशन में भी, ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं ना मैक्सिमम मिनिमा, ये सब रियल लाइफ फैक्ट्री प्रॉब्लम से निकल के आई हुई प्रॉब्लम है जिनको मैक्सिमम मिनिमा से सॉल्व किया गया है। समझ में आई? सपोज करो कोस्ट आप है ना कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, अब आपको प्रॉफिट तो इतना चाहिए, इतना फिक्स कर लिया आपने प्रॉफिट। अब आप कम से कम कितनी कॉस्ट में उसको बना सकते हो, तो कॉस्ट मिनिमा करने का प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। समझ रहे हो? तो ये सब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं। अभी अपने कोई बुकिश लग रहा है सब कुछ, लेकिन ये सब रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं। समझ में आई बात? तो करते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाना है जिसका वॉल्यूम तो फिक्स है और सरफेस एरिया कम से कम, मिनिमम से मिनिमम आपको बनाना है। सर्कुलर सिलेंडर बनाओ पहले, तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो इस वाले क्वेश्चन में फिगर ना भी बनाए तो चल जाएगा, ऐसा कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस नहीं है इस क्वेश्चन में फिगर का, लेकिन फिर भी चलो बना देते हैं। दिस इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये होगा इसकी हाइट, ये होगा इसकी हाइट। तो रेडियस को तो आर मान लेते हैं, ठीक है। अब हाइट जो है उसको रेडियस की टर्म्स में निकालेंगे। मैंने क्या कहा, एक ही पैरामीटर से चल सकते हो आगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो एक ही पैरामीटर का करोगे ना, मतलब विद रेस्पेक्ट टू एक ही पैरामीटर करोगे, तो रेडियस के रेस्पेक्ट में करोगे या फिर हाइट के रेस्पेक्ट में करोगे। तो आपको गिवन क्या क्या है, देखो आपको गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल। जो इसकी फॉर्मेलिटी वाले स्टेप्स हैं वो आपको अपने आप लिखने हैं। क्या, जैसे लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल कैन बी आर, लेट द हाइट बी एच, ये सब अपने आप, आपको अपने आप लिखना है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल कैन, जिसको सपोज करो मैं वी से डिनोट कर देता हूं, कितना है ये, 100 सेंटीमीटर क्यूब। गिवन है, गिवन है। अब आपको किसको मिनिमम करना है, सरफेस एरिया को। तो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल कैन, उसको एस से डिनोट करा देते हैं, ऑफ द सिलेंड्रिकल कैन, एस से डिनोट करा देते हैं। बोलो फॉर्मूला, बोलो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कल भी किया था शायद हम, 2πr, नहीं उसमें पूरा एक्सपैंड करके बोलो, तो 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। तो आप देख सकते हो, देखो इसमें एक बार ही h आ रहा है और r इधर भी आ रहा है, इधर अभी आ रहा है, इधर उल्टा स्क्वायर में आ रहा है। तो h को r की फॉर्म में लिखना ही ज्यादा सही रहेगा, बजाय कि R को H की फॉर्म में ले। जो चीज एक ही बार आ रही है उसको रिप्लेस करो ना, क्योंकि पैरामीटर तो एक ही लेके आगे बढ़ोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो R की रिस्पेक्ट में करोगे, H की रिस्पेक्ट में करोगे, एक ही रिस्पेक्ट में करोगे ना। तो R ज्यादा बार है तो उसको तो छेड़ो मत, H को भी किस में कन्वर्ट कर दो, R की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। वो कहां से कन्वर्ट करेंगे, वो इस इंफॉर्मेशन में से कन्वर्ट करेंगे।
वो किस इंफॉर्मेशन में से कन्वर्ट करेंगे? इस इन. अब कैसे करेंगे देखो, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा. वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच. की वैल्यू 100 हो गई, तो बोलो एच की वैल्यू क्या हुई? 100 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर. इसको पुट करो यहाँ पे, इस एच की वैल्यू को कहाँ पुट करो? यहाँ पे पुट अप करो, तो हर चीज आर में चली जाएगी और फिर आप उसको मिनिमम या मैक्सिमम करने के लिए जो भी कहने के लिए कह रहा है डिफरेंशिएट कर दोगे. ठीक है, तो 2 पाई आर, एच की वैल्यू क्या रखी है हमने? 100 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर प्लस आगे वाला तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा 2 पाई. चलो देखो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर से एक पावर कैंसिल आउट हो गई, 2 इंटू 100 हो गया 200, तो ये हो गया 200 बाई आर प्लस 2 पाई आर. ये आपका फाइनल सरफेस एरिया आ गया जिसको आपको मिनिमम करना है ना. तो ये इस सरफेस एरिया के फॉर्मूला बन गया एक तरीके से. सरफेस एरिया के फॉर्मूला में केवल आर आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं एज इज ए फंक्शन ऑफ आर, एस को आर का एक फंक्शन की तरह लिख सकता हूं, है ना. एस ऑफ आर, एस ऑफ आर क्या लिख सकता हूं? 200 बाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. अब इसको करना है आपको मिनिमम, कहाँ गया, सरफेस एरिया को मिनिमम करना है, विच इज द मिनिमम सरफेस एरिया. ठीक है, सरफेस एरिया को मिनिमम करना है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, देखेंगे किस पॉइंट पे मिनिमम आता है. सो एस डैश आर आ जाएगा, बोलो 200 बाई आर का, 200 तो कॉन्स्टेंट है और 1 बाई आर बचा. 1 बाई आर का क्या डेरिवेटिव बनेगा? 1 बाई एक्स का क्या बनता है? 1 बाई आर स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, याद होने चाहिए आपको. 2 पाई आर स्क्वायर का बन जाएगा 2 2 जा 4 पाई आर. ठीक है, थोड़ा सा और हल्का सा सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो इट कम्स आउट टू बी माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर. और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मतलब एलसीएम ले लेते हैं. इट कम्स आउट टू बी माइनस 200 प्लस 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब. ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ये हमने एस डैश आर निकाल लिया, कोई डाउट यहां तक किसी को बताओ? बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट टिल हेयर? नो सर. ओके, अब क्या करेंगे? इसको जीरो के इक्वेट करेंगे टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट. पुटिंग S dash R equal to 0. That is minus 200 plus 4 pi R cube by R square equal to 0. तो denominator को as it is हटा देते हैं अपन, है ना. denominator तो 0 हो नहीं सकता, क्या बनेगा? numerator ही 0 बनेगा ना, तो इसकी value as it is हम 0 put up कर देते हैं. implies minus 200 plus 4 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 0. ठीक है, ठीक है, इंप्लाइज यहां से 4 पाई आर क्यूब की वैल्यू आ जाती है 200. ठीक है ना, 4 से 1 टाइम, 4 से 50 टाइम्स, तो पाई आर क्यूब की वैल्यू आ जाती है 50. तो आर क्यूब की वैल्यू क्या आ जाती है? 50 बाई पाई. तो r रेडियस कितना आ जाता है? क्रिटिकल पॉइंट क्या आया मेरा? r इक्वल्स टू, इधर क्यूब है तो इधर 1/3 पावर हो जाएगी, या क्यूब रूट जो भी आप समझो, इसको 1/3 पावर लिख सकते हो ना. उधर थर्ड पावर है तो इधर आके पावर भी डिनोमिनेटर में चली, पावर का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 की पावर क्या बन जाएगी? 1/3 बन जाएगी, या यूं कहो 50/π का क्यूब रूट बन जाएगा. एक ही बात है इसका, या तो ऐसे लिख दो कि 50/π का क्यूब रूट बन जाएगा, या फिर पावर 1/3 लग जाएगी, बात है कि. तो ये हमारा आ गया क्रिटिकल पॉइंट. लेकिन इस क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा अटेन होगा या मिनिमा, वो आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पता चलेगा. सो द क्रिटिकल पॉइंट इज, सो द क्रिटिकल पॉइंट इज आर इक्वल्स टू 50/π की पावर 1/3. ठीक है, नाउ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट.
सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो एक बार एस डैश आर क्या था वो लिख देते हैं, क्या था एस डैश आर था। अब देखो एस डैश आर को जब आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे ना, तो एस डैश आर की ये वाली वैल्यू लिखो ना कि ये वाली वैल्यू, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल होगा ना, ये फिर वापस क्वेश्चन ट्रू लगेगा यहाँ पे, और उसको अलग अलग कर दो। ठीक है, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी वैल्यू उठाते, इसको उठा के फिर आप डबल डिफरेंशिएट, मतलब इसको क्या, इसको करने का मतलब है इसको उठाओ, इसको उठाओ ना, माइनस 200 बाय आर स्क्वायर प्लस 4 बाय आर, माइनस 200 बाय आर स्क्वायर प्लस क्या था 4 बाय आर, तो माइनस 200 बाय आर स्क्वायर को डबल डिफरेंशिएट करना है। सो एस डबल डैश आर इक्वल टू, देखो माइनस 200 तो कांस्टेंट है, अब बताओ 1 बाय आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय आर स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 स्क्वायर है ना, माइनस 2 अपॉन आर क्यूब, एक एक पावर बढ़ती जाएगी। अब 1 बाय आर क्यूब होता तो, 1 बाय आर क्यूब होता तो, ये क्यूब होता तो माइनस 3 और नीचे 4 आ जाता, अगर पावर 4 होती तो इधर 4 आ जाता और नीचे पावर 5 आ जाती, इजी है। तो माइनस 2 बाई आर क्यूब प्लस 4 पाई आर का तो 4 पाई बनेगा, ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो माइनस 200 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 400 बाई आर क्यूब प्लस 4 पाई, ठीक है। अब देखिए बेटा यहां पे ये वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है भाई, रेडियस तो पॉजिटिव ही होगा कुछ भी हो जाए, तो ये वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो आपको वैसे तो ये वैल्यू जो है उसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, एस डबल डैश आर की वैल्यू नहीं निकालनी, केवल ये एनालाइज करना है कि ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो, यही तो एनालाइज करना है, और वो भी कब, जब आप आर की वो वैल्यू पुट अप कर दो जो क्रिटिकल पॉइंट पे आई है। आर की क्या वैल्यू आई है क्रिटिकल पॉइंट पे, 50 बाई पाई की पावर 1/3, वो वैल्यू यहाँ पे पुट अप करके बाद में देखनी है कि वैल्यू पॉजिटिव आती है। अरे आर की कोई भी वैल्यू पुट अप करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा ना, तो क्यों हम हमारा टाइम वेस्ट करें, वो वैल्यू पुट अप करके चेक करें। तो हम सिंपली लिख देंगे, सिंपली लिख देंगे कि ये जो एस डबल डैश आर ही पॉजिटिव है, देखो ये ही ग्रेटर देन जीरो है ना, है कि नहीं है बताओ, ये ही ग्रेटर देन जीरो है। सो अगर हम एस डबल डैश आर की वो वाली वैल्यू पुट भी कर दें, कौन सी, 50 बाई पाई की पावर 1/3, 50 बाई पाई की पावर 1/3, ये वैल्यू पुट अप कर भी दें तो भी ये ग्रेटर देन जीरो ही आना है, समझ गए, ठीक है ना, ये तो लेस देन जीरो एक ही शर्त पे बनता, अगर आर की वैल्यू नेगेटिव पुट अप करते तो। तो प्रैक्टिकली भी आर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता, और आर की वैल्यू नेगेटिव आई भी नहीं है क्रिटिकल पॉइंट में, क्रिटिकल पॉइंट में भी आर की वैल्यू पॉजिटिव आई है, और प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो रेडियस पॉजिटिव ही होगा। तो इसको पुट अप करके चेक करने में बेवकूफी मानूंगा, टाइम वेस्टेज मानूंगा, हमने इसी को एनालाइज कर लिया कि ये पॉजिटिव होगा कुछ भी हो जाए, तो अब 50 बाई पाई को आर की जगह पुट अप करोगे तो ये भी हर हाल में, अपने को थोड़ा वैल्यू निकालनी है, अपने को केवल ये चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है बस, दैट्स इट। तो मैं क्या लिख दूंगा, एस डबल डैश एट दैट पॉइंट इज, एट द क्रिटिकल पॉइंट इज पॉजिटिव, ठीक है ना, देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू 50 बाई पाई, द क्रिटिकल पॉइंट आर इज इक्वल्स टू 50 बाई पाई की पावर 1/3 is the point of minima, the point of minima, और सारे क्वेश्चंस में यही होगा, अगर मिनिमम करवाता है तो 100% मिनिमा का पॉइंट ही निकलेगा, मैक्सिमम करवाता है तो 100% मैक्सिमा का पॉइंट ही निकलेगा, फिक्स है ना, is the point of minima, hence to make the surface area minimum, to make the surface area of the cylindrical can minimum, cylindrical can minimum, surface area को minimum करने के लिए radius of the base
ऑफ द सिलेंड्रिकल कैन तो होना चाहिए, ऑफ द सिलेंड्रिकल कैन जिसको आर से डिनोट किया वो तो होना चाहिए, क्या आ रहा है 50 बाई पाई की पावर 1/3, रेडियस तो ये होना चाहिए। आपसे डायमेंशन पूछी थी ना कि सिलेंड्रिकल कैन की डायमेंशन क्या क्या होनी चाहिए, सिलेंड्रिकल कैन की डायमेंशन क्या क्या होती है, रेडियस और हाइट, तो रेडियस तो ये होना चाहिए और हाइट क्या होनी चाहिए, एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल कैन क्या होनी चाहिए, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल कैन जिसको आपने एच से डिनोट किया है और वो आपने आर की फॉर्म में लिखा हुआ है, देखो ऊपर, देखो ऊपर ही ऊपर आपने एच को आर की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या 100/πr² लिखा है ना, तो एच की वैल्यू आर की फॉर्म में ये, आर की वैल्यू आपके पास है, फाइंड आउट करो, ठीक है, एच इक्वल्स टू 100/πr² R, और R की वैल्यू क्या है 100/π, तो चलो एक साथ रख देता हूं मैं, और R का स्क्वायर करना है बेटा तो इनटू 1/R का स्क्वायर, R क्या है 50/π की पावर 1/3, इसका स्क्वायर करोगे तो 50/π की पावर 1/3 का स्क्वायर करोगे तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाता है 100/π, तो एज इट इज ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो पाई ऊपर चला जाएगा, पाई की पावर 2/3 ऊपर रह जाएगी और नीचे 50 की पावर 2/3 रह जाएगी। अच्छा 100 को भी मैं लिख देता हूँ 2 × 50 ताकि 50 से 50 कट सके, 100 को भी क्या लिख देता हूँ मैं 2 × 50। अब देखिए यहाँ पे ये 2 तो अपनी जगह है ही सही, देखो 50 की पावर 2/3 है और 50 की पावर पूरी है यहाँ पे 1, तो 1 में से 2/3 जाएगा तो 1/3 बचेगा, और पाई यहाँ पे पूरा है और पाई की पावर 2/3 है तो ये काटोगे तो यहाँ पे भी क्या बचेगा 1/3, तो 50 की पावर 1/3 ऊपर बचेगी और पाई की पावर 1/3 नीचे बचेगी, समझ गए, तो एक तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि 50/π की पावर 1/3 ये हो गई हाइट। चेक करो पीछे आंसर, रेडियस तो आ रहा है मेरा 50/π की पावर 1/3 और हाइट आ रही है मैंने मेरी 2/50 × 50/π, यानी हाइट जो है रेडियस की दुगनी आ रही है, सही है, हाइट एंड रेडियस दोनों चेक कर लो। किसी और फॉर्म में है क्या, किसी और फॉर्म में या सेम इसी फॉर्म में, सेम इसी फॉर्म, समझ आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये हमने डायमेंशंस निकाल ली सिलेंड्रिकल कैन की, इस डायमेंशन को रखने से उसकी सरफेस एरिया क्या होगी, मिनिमम होगी और वॉल्यूम फिक्स है 100 cm³ रहेगा, ठीक है, समझ आया, बोलो बोलो प्रगति, यस सर, तनीषा, यस सर, चलो डिलीट कर दें, फिर चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तो होगा नहीं, इसको तो हटा दो, पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं, ए वायर ऑफ लेंथ, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, ये मान लो ये वायर है, ये वायर है कितनी बड़ी 28 meters यहाँ से घूमकर, इस टू बी कट इनटू 2 pieces, इसको 2 pieces में काटना है, किस तरीके से काटना है, वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर, उसमें से एक पीस को सपोज करो मैंने इसको काट दिया तो इस पीस का तो स्क्वायर बनाना है, क्या बनाना है, वायर है, ऐसे वायर को ऐसे मोड़ के ऐसे मोड़ के ऐसे मोड़ के एक स्क्वायर की शेप देनी है, बना सकते हो ना, समझ गया ना, बनाना नहीं मतलब समझ गया ना कैसे बनेगी, और जो दूसरा पीस है उसका सर्किल बनाना है, दूसरा पीस जो बच गया वायर का उसको ऐसे गोल घुमा के एक छिरे से एक छोर से दूसरे छोर को ऐसे मिला के ऐसे गोल सर्किल बना, बन सकता है ना वायर का, भाई एक टोटल वायर है 28 meters, अब ये भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो गया ना हमारे पास, मान लो हम कोई लाइट का काम करवा रहे हैं और उसको करने के लिए हमको एक स्क्वायर बनाने की जरूरत पड़ती है, एक सर्किल बनाने की जरूरत पड़ती है, मार्केट में हमारे पैसे ही इतने कि हम 28 meters वायर ही ले सकते हैं, इससे ज्यादा पैसे ही नहीं है, हम 28 meters वायर लिया है, अब इस 28 meters वायर से ही काम चलाना है हमको,
अब क्या करना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस। तो 28 मीटर को मैं कहां से काटूं, ये लेंथ कितनी हो और ये लेंथ कितनी हो, स्क्वायर वाली लेंथ कितनी हो जिससे स्क्वायर बनता है, और ये लेंथ कितनी हो, सर्किल वाली लेंथ कितनी हो जिससे सर्किल बनता है, ताकि ताकि इन दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमम हो। इन दोनों का कंबाइंड एरिया क्या हो, मिनिमम हो। यानी एरिया इसका, स्क्वायर का भी एरिया निकालोगे स्क्वायर बनने के बाद, और सर्कल का भी एरिया निकालोगे, उनका कंबाइंड एरिया मतलब दोनों के एरिया को जोड़ोगे, और वो कंबाइंड एरिया क्या होना चाहिए, कम से कम करना है। तो मैं वायर को कहां से काटूं, मेरे को वो पॉइंट बताओ भाई। मैं यहां से जैसे 28 को आप 8 और 20 में भी काट सकते हो, 28 को आप मिड में से भी काट सकते हो, 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, 28 को आप और भी कई तरीकों से काट सकते हो, 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। तो कहां से मैं उसको काटूं ताकि जो एक पीस से तो स्क्वायर बनना है, दूसरी पीस से सर्किल बनना है, उनका कंबाइन एरिया क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। क्वेश्चन समझ आया सभी को? बोलो, वही तो सोचनी है। सपोज करो आपने इसको 28, टोटल 28 है ना, 28 को सपोज करो आपने 8 से काट दिया और यहां 20 रख दिया, तो अब इस 8 वाली चीज से तो स्क्वायर बनेगा, तो साइड क्या हो जाएगी, 2x2 का स्क्वायर बनेगा, तभी तो टोटल 8 है। ये 8 को ही तो इसमें कवर करोगे, 2 2 2 2, ये 8 एक तरीके से इस स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया, और ये 20 एक तरीके से सर्किल का सरकमफ्रेंस हो गया, क्योंकि इस लंबाई से ही तो ये सर्किल बनेगा। तो ये जो पूरी लंबाई होती है इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, कहते नहीं कहते हैं, तो ये जो 20 हो गई, ये क्या हो गया, इसका सरकमफ्रेंस हो गया। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि 8 और 20 में काटें, आपको पता लगाना है किस किस में काटें। समझ में आई बात? कम से कम लेना है ना, दोनों का कंबाइन एरिया कम से कम होना चाहिए, दोनों का कंबाइन एरिया क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहे हैं ना, सपोज करो, लेट अस सपोज कि ये है हमारे पास एक 28 मीटर लंबी वायर, और मान लो मैं इसको इस पॉइंट से काटता हूं, मान लो मैं इसको इस पॉइंट से काटता हूं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि एक टुकड़ा तो x मीटर का काटा मैंने, यही तो पता लगा ना कितने मीटर का काटूं, तो मान लो एक टुकड़ा तो मैंने x मीटर का काटा, तो बचा हुआ टुकड़ा कितने मीटर का हो जाएगा, ऑब्वियसली, ठीक है। अब इससे क्या बना रहे हो साहब, इससे एक तो बना रहे हो पहले वाले टुकड़ा, x मीटर वाले टुकड़े से तो बनेगा स्क्वायर, x मीटर वाला जो टुकड़ा है उससे तो बनेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस, और जो 28 माइनस एक्स वाला जो टुकड़ा है उससे क्या बनेगा, ये बन गए हमारी सिचुएशन, जो पहला टुकड़ा है उससे बनेगा स्क्वायर, और जो दूसरा टुकड़ा है उससे क्या बनेगा, सर्किल बनेगा, ठीक है। तो जो स्क्वायर बनेगा, सोचने वाली बात यह कि जो स्क्वायर बनेगा उसकी साइड क्या होगी, टोटल पेरीमीटर एक्स मीटर है भाई, इस एक्स मीटर से ही आपको करना है पूरा स्क्वायर, तो बताओ उसकी एक एक साइड कितनी होगी, x बाई फोर, ये भी x बाई फोर, ये भी x बाई फोर, ये भी x बाई फोर, और ये भी x बाई फोर की बनाई। अब बात करते हैं सर्किल की, तो सर्किल का टोटल सरकमफ्रेंस कितना है, 28 माइनस एक्स, तो अपन सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है, उसको इक्वेट करेंगे 28 माइनस एक्स से, तो r की क्या वैल्यू आएगी, 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2π, तो इस सर्किल की रेडियस कितनी आ गई, 28 माइनस r, क्या रेडियस आ गई, ये रेडियस है मान लो इसकी, तो ये रेडियस इसकी आ गई 28 माइनस r डिवाइडेड बाय, समझ गए, 28 माइनस r ही तो लिखा, क्या लिखा, अच्छा 28 माइनस x x x, 28 माइनस x बाय 2, ये टोटल सर्कमफ्रेंस है 28 माइनस x, इसको डायमीटर से, डायमीटर नहीं, 2π से डिवाइड कर दिया तो रेडियस आ गया। यहां तक समझ में आया, बताइए, बोलो गर्ल्स, बोलते जाओ जल्दी से, बोलो, बताओ भाई, समझ आया कि नहीं आया, यस सर, आ गया, ठीक है,
सर स्क्वायर बनाना है, सर्कल बनाना है। अब थोड़ा सा ये जो हमने किया, ये तो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन था इस चीज का, इस चीज को लिख भी लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करो लिखना। हेयर वी आर गिवन अ वायर ऑफ लेंथ, हेयर वी आर गिवन अ वायर ऑफ लेंथ कितना 28 मीटर, विच इज टू बी कट, which is to be cut into two pieces, which is to be cut into two pieces, two pieces to form a square and a circle, to form a square and a circle. ये तो हो गई गिवन इंफॉर्मेशन। लेट द टू पीसेस बी, दो पीसेस को मैं मान लेता हूं, लेट द टू पीसेस बी एक्स मीटर एंड 28 माइनस एक्स मीटर। ये मान ली मैंने दो पीसेस, एक्स मीटर एंड 28 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, ये हो गए दो पीसेस। अब x वाले से तो स्क्वायर बनेगा, सीक्वेंस में चलना है ना। उसने क्या कहा, पहले वाले से स्क्वायर बनाओ, दूसरे वाले से सर्किल बनाओ। ठीक है, तो पहले वाला x काटा है हमने, तो उससे क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया x मीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया बेटा, x मीटर। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, 4 into side का मतलब हो गया x मीटर। सो साइड ऑफ स्क्वायर आ गई, साइड ऑफ स्क्वायर जिसको अपन जनरली a लेटर से डिनोट करते हैं, वो आ गई आपकी x by 4 मीटर। वो हमने पिक्चर में भी डिनोट कराई दिया। अगेन अब पेरीमीटर ऑफ सर्किल, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस कहते हैं सर्किल के, सर्किल के लिए जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है, सरकमफ्रेंस। जो कर्वी नेचर के फिगर्स होते हैं उनके लिए सरकमफ्रेंस, और जो चपटे होते हैं कर्व्ड नहीं होते स्ट्रेट लाइन से बनते हैं उनके लिए पेरीमीटर यूज करते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल ये क्या हो जाएगा, सेकेंड पीस से बन रहा है ये, 28 माइनस एक्स मीटर, दैट इज सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। इसकी वैल्यू हो गई 28 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स, तो सो यहां से रेडियस आ जाएगी सर्किल की। सो रेडियस ऑफ सर्किल जिसको अपन आर से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगी 28 माइनस एक्स बाई 2πm, कितने मीटर। फाइन, ये सारी चीजें अपन उधर पिक्चर में भी डिनोट कर चुके हैं, पर एक बार इसको शो करना भी जरूरी है। ठीक है जी, इतना तो पिक्चर में भी डिनोट कर दिया। अब आपको दोनों का कंबाइंड एरिया लेना है, क्या लेना है, दोनों का कंबाइंड एरिया। नाउ तो पहले एरिया ऑफ स्क्वायर ले लो, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर है ना। तो ए क्या है आपका, एक्स बाई फोर, एक्स बाई फोर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 60 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड एरिया ऑफ सर्किल निकालिए, एरिया ऑफ सर्किल निकालिए, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, राइट। तो पाई को यहां रहने दीजिए, आर क्या है आपके पास, 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2π का होल स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करना जरूरी है क्या, देखो 28 माइनस एक्स है तो 2π है, ऐड करोगे डेरिवेटिव भी निकालो। देखो एक काम करो ना, पाई से पाई काटने के लिए तो सोच लो आप, देखो पाई डिवाइडेड पाई इंटू 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो एज इट इज रहने दो, लेकिन नीचे 2π का होल स्क्वायर सॉल्व कर लो ताकि ये पाई से पाई कट जाए। तो 2π का होल स्क्वायर क्या होगा, 4π स्क्वायर
इतने मीटर स्क्वायर, तो अब ये एक पाई से एक स्क्वायर तो कट गया, तो फाइनली क्या आ गया हमारे पास 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका एरिया ऑफ सर्कल। अब कंबाइंड एरिया, नाउ कंबाइंड एरिया, कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, कंबाइंड एरिया निकालते हैं, तो उसका एरिया कितना निकला था स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर बाई 16, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस इसका क्या निकला 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 4 पाई, ठीक है, इतने मीटर स्क्वायर। तो अब इस एरिया को क्या करना है, आपको मिनिमम करना है, तो इस कंबाइंड एरिया को फंक्शन मान लेते हैं, और इसमें देखो केवल और केवल एक ही वेरिएबल आ रहा है एक्स, एक ही वेरिएबल आ रहा है एक्स, और कोई वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा, बाकी सब कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस एरिया को फंक्शन मान लेते हैं एक्स का, इस एरिया को क्या मान लेते हैं एक्स का एक फंक्शन मान लेते हैं। सो हम ऐसा कर देंगे कि एरिया को एक लेटर से डिनोट कर देते हैं, ए ऑफ एक्स, एक फंक्शन बन गया जिसकी वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 4 पाई, राइट। अब करो ए डैश एक्स, करो उसको सिंगल, मतलब पहला डेरिवेटिव निकालो उसका, तो एक्स स्क्वायर बाई 16 का क्या बनेगा बेटो, बोलो 2x बाई 16, एक्स स्क्वायर का 2x डिवाइड बाई 16 प्लस उधर आ जाइए 1 बाई 4 पाई को तो कांस्टेंट के रूप में छोड़ दीजिए, इंटू 28 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा, पहले तो बनेगा इंटू 2 इंटू 28 माइनस एक्स, राइट, 2 पावर नीचे आ जाएगी, और फिर 28 माइनस एक्स का क्या बन जाएगा माइनस इंटू माइनस 1, इंटू माइनस 1 भी तो बनेगा, समझ में आया ना, ये 2 तो नीचे आ गया, तो 2 इंटू 28 माइनस एक्स बन गया, और फिर 28 माइनस एक्स चेन रूल से तो 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1। कंपाइल करते हैं इसको, फाइनल डेरिवेटिव क्या आता है आपका 2 से 1, 2 से ये 8 टाइम्स गया, ये हो गया x बाई 8, उधर चलो, तब देखो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो यहाँ पे ओवरऑल माइनस लगा देता हूँ मैं, और 2 से 1 टाइम, 2 से ये 2 टाइम कट गया, क्या बचा 28 माइनस एक्स तो ऊपर बचा डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा 2 पाई, ठीक है, ये फाइनल डेरिवेटिव है आपका। इसको और भी सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। अब देखो जब अपन डबल डैश करेंगे ना तो अपन इसको यूज करेंगे, लेकिन अभी जब अब जीरो से इक्वेट करना है, जीरो से इक्वेट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक बार और इसका एलसीएम ले लेते हैं ताकि डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई 16 का डेरिवेटिव 2x अपॉन 16, सही तो है, ऊपर कहाँ, यहाँ 16 है तो ऊपर थोड़ा ना जाएगा 16, कहाँ पे कह रहे हो 2x के बाद 16 क्यों जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 16 को क्या लिख सकते हो 1 बाई 16 इंटू एक्स स्क्वायर, अब 1 बाई 16 तो कांस्टेंट है, 1 बाई 16 तो कांस्टेंट है ना, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या करोगे 2x, तो 2x बाई 16 ही तो लिखा है मैंने भी, तो 2 से इसको काट दिया, हाँ सॉल्व करो, 8 और 2 पाई का एलसीएम क्या होता है बताओ, 8 और 2 पाई का एलसीएम, वैसे तो आप कहोगे सर 16 पाई कर दो, लेकिन देखा जाए तो 8 पाई से भी काम चल जाएगा, एलसीएम में अपने को लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना होता है, पर 16 पाई भी कर सकते हो प्रोडक्ट करके, चल जाएगा क्या 8 पाई अपॉन 8 पाई, तो पाई इंटू एक्स, एक्स पाई हो गया ऊपर, तो पाई एक्स लिख दो, ठीक है, माइनस इधर 8 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई बचा 4, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कराना है, देखते हैं फाइनल डेरिवेटिव क्या आता है हमारा, पाई एक्स माइनस 28, 4 जा 112, ठीक है, और माइनस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस 4x इक्वल डिवाइडेड बाय 8 पाई, देखो यहां तक कोई डाउट, x x की टर्म्स को साथ में लिख देता हूं मैं,
और भी थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं. तो x x की टर्म्स कौन कौन सी है, ये वाली और ये वाली, क्या कॉमन आ रहा है, x को कॉमन ले लूं तो पाई प्लस 4 बचता है. इसको मैं लिख सकता हूं पाई प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 112 डिवाइडेड बाई 8. ये आपका फाइनल डेरिवेटिव है. अब इसको जीरो के इक्वेट करना पड़ेगा टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जिससे कि वो मिनिमम वैल्यू निकले. तो नाउ पुटिंग पुटिंग a डैश x इक्वल टू जीरो, दैट इज इसको जीरो के इक्वेट करते हैं पाई प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 112 डिवाइडेड बाई 8 पाई इक्वल टू जीरो. तो जैसे पहले किया, डिनोमिनेटर को तो देखना ही नहीं है, केवल न्यूमरेटर की वैल्यू जीरो रखनी है. तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं पाई प्लस 4 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस 112, उधर जाके प्लस 112 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाती है 112 डिवाइडेड बाय पाई प्लस. ये आ गई फाइनल क्रिटिकल पॉइंट. अब इस पे मिनिमा अटेन हो गया, मैक्सिमा बस वो देखना है ना. सो द क्रिटिकल पॉइंट इज, सो द क्रिटिकल पॉइंट इज x इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय पाई प्लस, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया. ठीक है, अब इस पे मिनिमम है या मैक्सिमम वो देखना है अपने को. वो अपने को चेक करना है. तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए क्या करते हैं, एस डबल डैश एक्स निकालते हैं. एक बार अब की बार एरिया है ना, सरफेस एरिया नहीं है, तो ए डैश एक्स देख लेते हैं पहले क्या है. उसकी इजीएस्ट फॉर्म लिखो जिससे उसका डबल डेरिवेटिव आसानी से निकले. तो उसकी मैं ये वाली फॉर्म लिख देता हूँ. देखो ये वाली फॉर्म लिख देता हूँ ए डैश एक्स की, है ना. तो एक्स बाई 8 माइनस एक्स बाई 8 माइनस 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना था 4 पाई 8 पाई 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई. तो सो ए डबल डैश एक्स, तो एक्स बाई 8 का क्या बनेगा, 1 बाई 8, x का 1 होता है, तो x बाई 8 का क्या बन जाएगा, 1 बाई 8 डबल डेरिवेटिव माइनस. अब देखिए इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपको x की फॉर्म में लेके आना है ना इसको. देखो इसको पहले थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं a डैश x को, कैसे, x बाई 8 माइनस 28 बाई 2 पाई, और माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस x बाई 2 पाई. ये हो जाता है x by 8 माइनस 2 से कट गया 14 by पाई प्लस x by 2 पाई. अब करो आप डबल डेरिवेटिव. सो a डबल डैश x, अब देखो x by 8 का 1 by 8 माइनस 14 by पाई तो कांस्टेंट है 0, पर x by 2 पाई का क्या बनेगा, 1 by 2 पाई. ठीक है ना, x का 1 होता है. तो ये फाइनली क्या हो गया, डबल डेरिवेटिव 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 2 पाई. 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 2 पाई का अगेन आप एलसीएम ले लो 8 पाई, ये हो जाता है पाई प्लस 4. ठीक है, अब देखिए ये तो वैसे भी ग्रेटर देन 0 है, पाई की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 ही रहती है ना, 3.14. इसमें तो कहीं x आ ही नहीं रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ x बना है. तो अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट x की वैल्यू यहां पुट अप करूंगा भी, तो भी ये ग्रेटर देन 0 रहेगा. भाई यहाँ पे कहीं x है क्या जो मैं पुट करूं, भाई ये x होता तो मैं पुट करता, ये अभी भी ग्रेटर देन 0 है और वो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पुट करूं. ठीक है बच्चों, भाई डबल डेरिवेटिव आपका आया ही इंडिपेंडेंट ऑफ x है. एक ऐसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, जिसमें x दिखाई नहीं दे रहा है, तो x क्रिटिकल पॉइंट आप डालोगे सही तो भी ग्रेटर देन 0 आएगा, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए मैं डाल देता हूं. नाउ a डबल डैश, बताओ क्या था क्रिटिकल पॉइंट, x की वैल्यू क्या थी क्रिटिकल पॉइंट में, 112 अपॉन पाई प्लस 4, 112 अपॉन पाई प्लस 4. तो ये डालोगे सही तो भी इसको सॉल्व वॉल क्या करते हो, वैल्यू तो यही आएगी पाई प्लस 4 बाई 8 पाई, कॉन्स्टेंट है ना, ग्रेटर देन 0.
ठीक है, वैल्यू डालने के लिए एक्स आएंगे हमारे पास. सो ग्रेटर देन जीरो है मतलब वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है. सो द क्रिटिकल पॉइंट, सो द क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 112, आ जाओ बेटा 112 अपॉन पाई प्लस 4 इज द पॉइंट ऑफ, ये ग्रेटर देन जीरो है दैट मीन्स इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा. बैठो, और कोई नहीं आया अभी तक? अच्छा ठीक, इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा. ये हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा. आपसे पूछा क्या था कि आप उसको किस किस टुकड़ों में काटो, तो आपने क्या कौन कौन से टुकड़े करे थे, एक तो x करा था और एक 28 माइनस x करा था. तो एक तो टुकड़ा आ गया आपका x की वैल्यू, अब दूसरा टुकड़ा निकालने के लिए 28 में से माइनस करना पड़ेगा इसको, है ना, ठीक है ना. देयरफोर टू मेक द कंबाइंड एरिया, टू मेक द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्किल मिनिमम, एंड द सर्किल मिनिमम मिनिमम द टू द लेंथ, द लेंथ ऑफ टू पीसेस मस्ट बी, द लेंथ ऑफ टू पीसेस मस्ट बी, क्या लेंथ मानी थी हमने, हमने मानी थी x एंड 28 माइनस x, राइट, ये लेंथ मानी थी हमने. तो एक लेंथ तो आ गई ये की यही जो x की वैल्यू आई है 112 अपॉन पाई प्लस 4, एंड द सेकेंड लेंथ निकालने के लिए इसको माइनस कर दो, 28 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4 कर दो सॉल्व, इक्वल टू एक लेंथ तो यही 112 अपॉन पाई प्लस 4, एंड सेकेंड लेंथ में पाई प्लस 4 को एलसीएम ले लो, तो 28 इंटू पाई 28 पाई प्लस 28 4 जा 112 ये होता है ना, माइनस 112 माइनस 112 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो एक लेंथ तो ये है 112 अपॉन पाई प्लस 4, एंड सेकेंड लेंथ विल बी 112 से 112 गया तो 28 पाई अपॉन पाई प्लस, चेक करो पीछे यही दो आंसर देंगे, ये दो लेंथ होनी चाहिए जिसमें से पहली हमेशा स्क्वायर की रखना और दूसरी किसकी रहेगी, सर्किल, मतलब पहली वाली लेंथ पीस से तो हम स्क्वायर बनाएंगे, देखो आंसर, पहले वाली पीस से स्क्वायर बनाएंगे, सेकेंड वाली पीस से हम सर्किल बनाएंगे. ठीक है बच्चों, समझ आया? एक्सक्यूज मी सर. बोलो तनिषा. सर एक बार इस वाले क्वेश्चन की शॉर्ट में समरी कर दो. शॉर्ट में समरी करें, देखो आ जाओ शुरू से फिर. देखो एक वायर थी, उसको दो टुकड़ों में तोड़ना था, एक x मान लिया, 28 मीटर टोटल थी, तो एक को x मान लिया तो दूसरा क्या हो गया 28 माइनस x. अब इससे तो बनेगा स्क्वायर, इससे बनेगा सर्किल. तो अगर x मीटर के वायर से आप स्क्वायर बनाओगे तो हर एक साइड कितने कितने मीटर की बनेगी, भाई टोटल पेरीमीटर x हो गया, तो एक एक साइड बनेगी x बाई 4, x बाई 4, x बाई 4 और x बाई 4. और 28 माइनस x मीटर के टुकड़े से जब आप सर्कल बनाओगे तो ये तो हो गया सर्कमफ्रेंस इसका, तो सर्कमफ्रेंस से इक्वेट करके हमने इसका रेडियस निकाल लिया, तो ये तो हो गई साइड ऑफ स्क्वायर, ये हो गई रेडियस ऑफ सर्कल. अब इन दोनों का कंबाइंड एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, तो इनका अलग अलग एरिया निकाल लिया हमने, उनको जोड़ दिया, ठीक है ये एरिया निकाल लिया कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल
ये आ गया एरिया, एरिया फंक्शन बन गया ए ऑफ एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिया, ठीक है, सॉल्यूशन तो आप देख ही लोगे बीच बीच का, ठीक है, ये आ गया आपका फाइनल क्रिटिकल पॉइंट, क्या कौन सा आया था, ये ए डैश एक्स आया, ए डैश एक्स को इक्वल टू जीरो किया तो एक्स इक्वल्स टू 112 अपॉन पाई प्लस 4, ये आ गया क्रिटिकल पॉइंट। अब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा ये चेक करने के लिए अपने को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को अपने ने लिख दिया थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, फिर वहां से सेकंड डेरिवेटिव निकाल दिया, सेकंड डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आया है, मतलब एक्स उसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा और वो ग्रेटर देन जीरो आया है, कहीं भी माइनस का साइन नहीं है, पाई पॉजिटिव होता है तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, तो अगर आप एक्स की वैल्यू या क्रिटिकल पॉइंट डाल भी दोगे तो भी वो तो यही वैल्यू देगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है ना, और ग्रेटर देन जीरो देगा, ग्रेटर देन जीरो है दैट मीन्स क्या है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो फिर यानी कि एरिया मिनिमम करने के लिए दो पीसेस हमने लिए थे एक्स और 28 माइनस एक्स, एक्स की तो जो क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू आई वही रखनी है, 28 माइनस एक्स में से 28 को उस वैल्यू में से माइनस कर, 28 में से उस वैल्यू को माइनस कर देना है, तो दूसरा पीस आ जाता है आपका 28 पाई बाई पाई प्लस 4, ठीक है? यस सर, ठीक है, तो समझ आया बाकियों को, बाकी बच्चों को समझ आ गया? यस सर। ओके चलो, तो दो क्वेश्चन ही हो पाए, दो ही हो पा रहे हैं पर डे क्योंकि लेंदी है, अच्छा 21-22 हो गए, 23 जो क्वेश्चन होगा हो सकता है नेक्स्ट क्लास में एक दिन में एक ही क्वेश्चन हो, थोड़ा सा लेंदी है 23rd, तो थोड़ा माइंडसेट प्रिपेयर करके आना कल की क्लास में, थोड़ा सा लेंदी है, हो सकता है एक क्लास में एक ही क्वेश्चन, इसमें क्या कैलकुलेशन बहुत भारी है, भारी भरकम कैलकुलेशन, तो करेंगे ट्राई कल से, है ना, चलो तो आज के लिए काफी है। Thank you so much for listening to us. One second. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and practice.